उसके कारण बड़ा परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन राजनीति में जो दूसरे नंबर के नेता है, राजनीति के अंदर नेता, वो हम समाज के नेता नहीं बना पाए, वो एक पार्टियों के ही नेता बने, इसलिए इसमें बदलाव नहीं आ पाया। जब तक हम कॉम्युनल वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, और जिस समझौते को बाबा साहब ने मान लिया था, उना पैक्ट को, फिर बाबा साहब ने ये भी कहा कि मेरी ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई, किन्हीं कारणों से बाबा साहब ने मजबूरी वंश ये समझौता करना पड़ा। आज इतने संगठन इस समाज के बने हुए हैं, हमारे नौजवान साथी आज राजनीति की बात करते हैं। मैं सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के युवा साथियों से ये विनती करना चाहूंगा, ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपने संगठनों के माध्यम से इस बात को उठाएं कि हमें इस प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें हम गुलाम पैदा करें, बल्कि हमें वो पूना पैक्ट का वो कॉमनल अवार्ड चाहिए जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दबंग और एक अच्छे नेता पैदा करने चाहते थे। इसके अंदर एक जनरल कास्ट का जो बड़ा वोट बैंक है, उसको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सामान्य जाति के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि कॉमनल अवार्ड के माध्यम से जो रिजर्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, जो रिजर्व एमएलए और एमपी की सीट है उसके अंदर जो रिजर्व कैटेगरी का आदमी खड़ा होता है, तो वो केवल रिजर्व के वोट ही उसको पड़ेंगे, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा। वहां पर एक सामान्य जाति का व्यक्ति भी खड़ा होगा एमएलए या एमपी की सीट पर, जिसको सभी लोग वोटिंग करेंगे, जिस प्रकार से दूसरी सीटों पर होता है। सामान्य वर्ग के लोगों को ये लाभ होगा कि जो आज वंचित रह जाते हैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए रिजर्व सीट से, उनको भी वहां चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सभी सर्व समाज के लोगों से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी इसमें आगे आए। ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है राजनीति में, इसके अंदर कॉमनल वार्ड के माध्यम से रिजर्व कैटेगरी के आदमी को केवल रिजर्व का ही वोट डाले, और वहां से सामान्य का आदमी भी खड़ा हो जिससे सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व वो कर पाए। मैं इस प्रकार से मेरे युवा साथियों से, सभी सामाजिक संगठनों से ये विनती करना चाहूंगा।